अखिलेश का ऑफर, मायावती स्वीकार करेंगे, यूपी में होंगे टॉपर। 2019 में मायावती के लिए अखिलेश ने जो किया, अब 2024 में अखिलेश मायावती से वही चाहते हैं। अखिलेश ने बुआ को याद दिलाई पुरानी बात, क्या यूपी में फिर मायावती से हाथ मिलाएंगे अखिलेश? यूपी की दो प्रमुख विपक्षी पार्टी सपा और बीएसपी के रिश्ते कैसे हैं, ये किसी से छिपा नहीं। सपा और बसपा भले ही इस वक्त यूपी की सत्ता में नहीं है, लेकिन बावजूद इसके दोनों के बीच लड़ाई जबरदस्त तरीके से जारी है। तभी सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के रहते हुए अखिलेश ने मायावती से सियासी दोस्ती करने की पुरजोर कोशिश की। दोस्ती हुई भी, सपा से ज्यादा अच्छा परिणाम बीएसपी को मिला था। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि मायावती को ऐसा लगा कि हमें साथ साथ रहने की जरूरत नहीं, अलग हो जाना ही ठीक है। मायावती ने सपा से दूरी बनाई और धीरे धीरे बहुत दूर होते चली गईं। अब फिर से अखिलेश यादव ने बीएसपी प्रमुख मायावती को ऑफर दिया, लेकिन वो ऑफर 2019 लोकसभा चुनाव से बिल्कुल ही अलग है। 2019 में सपा और बीएसपी ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। 2024 के लिए अखिलेश बीएसपी प्रमुख मायावती से दोस्ती तो करना चाहते हैं, लेकिन कुछ अलग तरीके की दोस्ती। 2019 में अखिलेश ने मायावती की शर्तों के मुताबिक उनसे समझौता किया था। एक तरह से बीएसपी के कद को सपा के कद के सामने बड़ा दिखाया, उसी के आधार पर सीटों का समझौता हुआ। मायावती ने यूपी में जिन सीटों के लिए अखिलेश के सामने अपनी दावेदारी रखी, अखिलेश ने वो सीटें मायावती को दी। लेकिन अब अखिलेश गुजरे हुए 2019 को याद दिलाकर ही कह रहे हैं, उस वक्त जैसा सपा ने बीएसपी के साथ रिश्ता बनाया था, 2024 के लिए आपसे ऐसी ही उम्मीद है। तो अखिलेश ने मायावती को क्या ऑफर दिया, पहले वो जानते हैं, फिर उस ऑफर के जरिए अखिलेश की इस धाकड़ राजनीति को डीकोड करने का प्रयास करेंगे। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 के लिए पटना में होने वाली विपक्षी एकता मीटिंग से पहले सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया। अखिलेश यादव संकेत में अपनी बात कहते हैं, अखिलेश ने मायावती से गठबंधन को लेकर एक बयान दिया, कहा कि अभी तक सपा ने जितने भी गठबंधन किए सभी बड़ी ईमानदारी से निभाए गए, हमें उम्मीद है कि बीजेपी को हराने के लिए सभी दल बड़े दिल से सपा के साथ आएंगे। तो साफ है 2024 की लड़ाई में अखिलेश यूपी में बीजेपी से मुकाबला करने के लिए सपा को अगुवा मानकर चल रहे हैं और अपनी अगुवाई में बड़े विपक्षी दल यानी बीएसपी कांग्रेस का साथ मांग रहे हैं। अगर सपा अगुवा रहती है तो जाहिर बात 2024 में जब सीटों का बंटवारा होगा तो सीटें सपा को ज्यादा मिलेंगी। यही बात अपने अंदाज में अखिलेश मायावती को बता रहे हैं, ऑफर दे रहे हैं, साथ आ जाइए, साथ मिलकर लड़ते हैं। अखिलेश संकेत देते हुए कहते हैं, 2019 में बीजेपी को कोई हरा पाया था, सिर्फ सपा बसपा ने हराया। हमारा मानना है कि यूपी से बीजेपी हार जाएगी, उस दिन राजनीति से बाहर हो जाएगी। 23 जून को होने वाली मीटिंग में बहुत कुछ तय होगा, नए सुझाव भी निकलकर सामने आएंगे। सपा और बीएसपी ने लोकसभा चुनाव 2019 का चुनाव साथ मिलकर लड़ा था। इसके अलावा आरएलडी भी गठबंधन में शामिल थी, हालांकि गठबंधन कुछ खास प्रभावित नहीं कर सका था। यूपी की 80 सीटों में से सपा को महज 5 तो बीएसपी को 10 सीटें मिली थी। चुनाव के बाद बीएसपी प्रमुख मायावती ने आरोप लगाया था कि सपा का वोट बसपा को नहीं मिला और गठबंधन से अलग होने का ऐलान कर दिया था। अखिलेश ने कहा कि 2017 में कांग्रेस और 2019 में बीएसपी से उन्होंने गठबंधन किया, वोट फीसद बढ़ाने के लिए बीजेपी को हरा नहीं पाए। बीजेपी को हराने के लिए सभी दल बड़ा दिल लेकर सपा के साथ आ जाएं, जैसा कि सपा ने पहले के गठबंधनों में बड़ा दिल दिखाया। सपा कार्यकर्ताओं ने ईमानदारी से गठबंधन के लिए वोट डलवाए। अब अखिलेश को अपनी राजनीति पर शायद ज्यादा उम्मीद है कि मुस्लिम यादवों के साथ दलित और गैर यादव पिछड़ों के मत का भी रुझान सपा की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में अगर मायावती साथ आ जाती है तो यूपी में बीजेपी को हराने में सपा को कोई रोक नहीं सकता।